मैंने कार्डबोर्ड का एक सर्कल कट कर लिया है और ये वायर जिसे मैंने ग्रीन टेप से रैप किया है, दोनों का रेडियस 11 सेंटीमीटर है। अब मैं फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने तीन कलर्स लिए, पर्पल, पिंक और वाइट। मैंने इस फ्लावर को बनाना 5th स्टैंडर्ड में सिखाया था और मैं इसी तरीके का इस्तेमाल करके इस डेकोर करने वाली हूँ। तो इसे अच्छे से फोल्ड करना है, देखिएगा वो यहाँ ओपन से वहीं पर से कट माना, नहीं तो फ्लावर के आधे टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी गलतियाँ मैंने बहुत की थी। मैंने चार कट कर लिए फ्लावर्स, अभी एक एक पेटल्स हमको एक पेटल दूसरे के दो पेटल्स में काटने हैं। अब इसके हम पेटल्स को रोल कर लेंगे। रोल होने के बाद हम उसे एक के ऊपर एक चिपका देंगे। अब चाहिए तो कौन से भी फ्लावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने फ्लावर्स बना लिए। अब मैं जो कार्डबोर्ड पे एक जगह कट मार दूंगी, वहाँ पे हमें ये जो वायर का रिंग है उसे लगाना, अटैच करना। थोड़ा मैं गैप बना रही हूँ उससे अटैच करने के लिए। अभी इसे स्टिक करने के लिए मैं फेविबॉन्ड का इस्तेमाल करूँगी। तो इसे लगा के कुछ समय तक छोड़ के फिर स्टिक करना होता है। मैंने दोनों सरफेसेस पे ये फेविबॉन्ड लगा लिया है। कुछ देर ड्राई होने के बाद हम इसे स्टिक कर देंगे। इसे सपोर्ट करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड की जो पीसी से इसे अटैच कर दिए। हम मास्किंग टेप से मैंने इसे सिक्योर कर लिया। मैंने ग्रीन A4 साइज पेपर लेके पूरा जो कार्डबोर्ड है उसको मैंने कवर कर लिया। जो है फ्लावर्स को एक एक करके आपको चाहे उस ऑर्डर में आपको अटैच कर देना है। मैंने सिल्वर थ्रेड से मोतियों की माला पिरो के रखी थी, इसकी मैं चार टुकड़े करूँगी। एक माला में 24 मोतियाँ हैं। मैंने कंगन, पुराने कंगन को अटैच करके मोतियाँ उससे जोड़ दी हैं चारों तरफ से और गोल्डन का पेपर उस पर रैप किया। अब हमें इसे झूले को अटैच कर देना है। झूले के मूवमेंट के लिए मैंने एक और 25 मोतियों की माला पिरो के उसमें एक मैक्रेम का बीड और वापस से दो मोतियाँ डाल के पिरोई है और इसे अटैच कर लिया है। और फिर इसके डेकोरेशन के लिए मैंने गोल्डन पेपर इस्तेमाल किया है। अब फाइनल लुक देख सकते हैं, झूला कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। आपको एक कान्हा जी के लिए बनाया गया झूला कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।